और देखिए ये अपना है मीरगंज, मीरगंज। और देखिए दोनों साइड और चलिए आगे, अभी तो बहुत सजाया गया है यहाँ से ही रेलवे स्टेशन से लेकर के आगे तक। यहाँ भी एक पंडाल है, देख लीजिए। देखिए ना एकदम कितना मस्त लग रहा है जी। अपना बिहार बहुत तरक्की किया है घूमने के लिए दशहरा मेला। आप आइए अपना मीरगंज, गोपालगंज, सिवान, अपना आस पड़ोस जो गांव है उसमें भी देखिए आजकल बहुत ही तरक्की हो गया है मेला में, देखिए ना। चलिए अब चलते हैं आगे, एक एक शॉट में देख लीजिए। वाह दोस्तों, मन कर रहा है ना पूरे रात घूमते रह जाए, करता रहेगा। और यहाँ भी एक सिक्के पटा। और दोस्तों देखिए मीरगंज में हम आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे बाबा धाम का, फूलबम का मंदिर का पंडाल बनाया गया है। चलिए दिखाते हैं और एंजॉय कीजिए मेला का भरपूर। और देखिए यहीं पे बना हुआ, एक नज़र इधर भी डाल लीजिए, उसके बाद चलते हैं उधर आपको दिखाते हैं। देखिए मेला लगा हुआ है, देखिए बैजनाथ धाम हम लोग नहीं गए लेकिन बट यहीं पे देख लिए, देख लीजिए एकदम सेम टू सेम वैसे ही बना हुआ है। देखिए अंदर चलते हैं उधर, यहाँ भी देखिए दो लाइनें बनाई गई है। शंकर भगवान है, ये प्रसाद है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, पूजा पंडाल के बगल में खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है, प्रसाद लेना ना भूलें। और चलिए यहाँ से चलते हैं, जितना सकते उतना भक्ति गान ऐसे करें। और ये मरछिया चौक में बना हुआ है का। और आगे चलेंगे इधर भी, इधर पंडाल बना हुआ है। ये पूरा मीरगंज का नजारा मस्त, दिल खुश हो गया है बाहर की नजारा देख के। बोल तो कहा था कि यही रह जाए रात भर घूमते रह जाए। पंडाल